न्यूज अपडेट स्पॉन्सर्ड बाय आरएस एकेडमी, सेकंड फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौराहा, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। रीवा जिले के नवगठित नगर परिषद डभौरा के नाम बदलने की खबरें जोरों पर हैं और जैसे ही ये खबर आई है कि डभौरा का नाम बदलकर गुलाबगंज कर दिया जाएगा, तब से ही डभौरा के लोग सोशल मीडिया पर क्रांतिकारी पोस्टर्स डाल रहे हैं और विरोध में पोस्ट लिखे जा रहे हैं। साथ ही साथ कलेक्टर का वो आदेश भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें डभौरा का नाम बदलकर गुलाबगंज किए जाने का प्रस्ताव है। वहीं इस पूरे मसले पर लोगों ने आरोप लगाया है कि सिरमौर भाजपा के विधायक लोकतंत्र की हत्या करने पर आमादा हैं तथा अपने परदादा के नाम पर डभौरा का नामकरण गुलाबगंज कर क्षेत्र की जनता पर अपना जबरन फैसला थोप रहे हैं। आपको बता दें, डभौरा का नाम बदलकर गुलाबगंज रखना प्रस्तावित किया गया है जिसके बाद से ही विरोध के स्वर गूंजने लगे हैं। डभौरा की जनता का साफ तौर पर नाम बदले जाने के विरोध में है। कई सामाजिक कार्यकर्ता भी डभौरा के नए नाम को लेकर विरोध कर रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता राम नरेश यादव ने कहा कि डभौरा के साथ हर तरह से छल किया जा रहा है। पहले डभौरा की तहसील उठाकर जवा कर दी गई और डभौरा का कॉलेज उठाकर नष्टीगमा कर दिया गया। साथ ही उनका यह भी कहना है कि अगर नाम चलाने का इतना ही शौक था तो वहाँ बड़ा अस्पताल खुलवाकर उसका गुलाब सिंह जी के नाम से अस्पताल का नामकरण कर दिया जाता। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता नमन अवस्थी से भी इस मुद्दे पर बात की गई। आइए आपको सुनाते हैं उनका इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहना है। ये डभौरा का नाम परिवर्तित किया गया है, क्या मानते हैं आप इस बात को? डभौरा का नाम परिवर्तित किया गया है, ऐसी खबरें आ गई हैं और ये निहायत ही एक तरह से अगर हम कहें कायरतापूर्ण ये एक डिसीजन लिया है मध्य प्रदेश सरकार ने। आप डभौरा को कहाँ कहाँ से मिटाएंगे? क्या कुंवर बहादुर के बिहार के रिकॉर्ड से मिटाएंगे कि 1857 की क्रांति में गैजेटियर्स में अंग्रेज़ों के यहाँ लंदन गैजेटियर तक में इस जगह का नाम वर्णित है? अंग्रेज़ों ने काफ़ी मशक्कत के बाद यहाँ के क्रांतिकारियों को हराया है, तो आप कहाँ कहाँ डभौरा का नाम चेंज कराएंगे? तो ये निहायत ही कायरतापूर्ण डिसीजन है। ये एक तरह से इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स के प्रतीकात्मक रूप से इस तरह की कार्रवाई की गई है। ये निहायत ही गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इतिहास क्या है डभौरा का? डभौरा एक बड़ा प्राचीन नगर है और 1804 में जब पेशवे और अंग्रेज़ों के बीच में एक संधि होती है जिसको 1804 की संधि कहते हैं, सेकेंड एंग्ल मराठा युद्ध की संधि है, तो उसमें चित्रकूट की जो अमालदारी हुई, चित्रकूट के जो जगह पेशवे अमृतराव को रखा गया, तो उसमें एक बड़ा पुराना एक 1796 के समय का एक भाग था डभौरा। उस डभौरा के भाग को उस पेशवे अमलदारी के अंतर्गत एक स्वतंत्र रूप से रियासत बनाई गई। इस रियासत का अस्तित्व 1804 से आया जब सौदापुर से दीक्षित राजाओं को ये जगह 110 से भी ज़्यादा गाँव की ये जगह दी गई। 1857 में इस जगह ने स्वतंत्रता संग्राम में अतुलनीय योगदान दिया है। यहाँ के लोगों ने जब रीवा राजा ने कुंवर बहादुर सिंह को रीवा के अंदर से प्रवेश करके जबलपुर में तात्या टोपे से मिलने से रोक दिया था, तब कुंवर साहब आपके डभौरा में पड़े रहे हैं, तात्या टोपे डभौरा आ चुके हैं। डभौरा तो बुंदेलखंड के लिए एक तरह से सभी क्रांतिकारी गतिविधियों का नेक्सस था। वहाँ के राजा रणजीत राय दीक्षित ने अपने साथियों के साथ, डभौरा की आम जनता के साथ, रीवा के ऊपर जो अंग्रेज़ों का साथ देने का एक कलंक लगा हुआ है उसको धोया है। उन्होंने तो पूरी फौज के साथ डभौरा की रक्षा के लिए, इस विंध की माटी की रक्षा के लिए, मैं तो रीवा को कहना चाहूँगा कि हमारे माथे के सर का ताज डभौरा है। डभौरा में तो हमारा एक ऐसा योद्धा पंडित रणजीत राय दीक्षित शहीद हुए हैं जो कि युद्ध भूमि में शहीद हुए हैं। ऐसा 1857 में इस विंध्य भूमि का कोई भी ऐसा बंदा युद्ध भूमि में लड़ता हुआ शहीद नहीं हुआ जैसा पंडित रणजीत राय दीक्षित जी ने किया। एक भुजा कट जाने के बाद लड़ते रहे, आम डभौरा के नागरिक लड़ते रहे, तो ये वीरता का घोतक है डभौरा। और इस वीरता के घोतक को अगर आप किसी नाम से, किसी के बाबा परदादा के नाम से जिन्होंने उस 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों का साथ दिया, तो ये न्यायत ही गलत बात है। ऐसा तो फिर झांसी का नाम बदल के सिंधिया नगर कर देना चाहिए, ये और अच्छा रहेगा। जैसा कि देखा जाए, नाम तो बदल दिए गए हैं,
वजह क्या मानते हैं इसकी, मुख्य वजह क्या मानते हैं, मुख्य आने जाने वाले लोगों को किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? बहुत दिक्कत होंगी, जन्म प्रमाण पत्र से लेके हर कार्यालय के ऊपर वैसे खर्चे पड़ेंगे, सबकी जगह पे पुताई लिपाई करा के ढबौरा की जगह पता नहीं क्या क्या लिखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ढबौरा से आम जनता, वो एक सुदूर का ऐसा इलाका है जहाँ की आम जनता अपने आप को तमाम मुश्किलों के बाद भी 1857 की क्रांति के प्रतीक के रूप में जानती है। वहाँ की जनता के, जनता ने वो लड़ाई लड़ी है। आप जनता से उसका नाम छीन रहे हो, जनता से उसका गौरव छीन रहे हो और उसके ऊपर एक ऐसी चीज़ को थोप रहे हो, जनता क्या बताएगी कि हम कहाँ रहते हैं, हम उस जगह पे रहते हैं जो अंग्रेज़ों के साथ ही थे। तो ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जनता ने कभी नहीं कहा कि हमारा नाम बदला जाए। ये एक तरह की चापलूसी है जिससे हम तो सोचते थे कि विधायक जी बड़े होशियार व्यक्ति हैं, लेकिन उनके सलाहकार मंडल उनको ऐसी सलाह देंगे, चुनावी साल चल रहा है, ऐसी सलाह देके उन्होंने अपना सीधे सीधे जनाधार खो दिया है। डबौरा की जनता में एक तरह से विश्वासघात किया गया, आप अपनी सर जमीन से किसी को अगर पृथक करेंगे, उसका नाम उसके यहाँ से मिटाएंगे जो कि सदियों पुराना नाम है, तो ये न्याय की गलत बात है, ये बहुत ख़राब काम हुआ है। और पूरी ढबौरा की जनता ही नहीं, रीवा की जनता इस बात का विरोध कर रही है। ढबौरा में जिस तरह का संग्राम 1857 ने देखा है, भाई रीवा में क्या हुआ, रीवा में तो कुछ नहीं हुआ, हमारा राज्य तो अंग्रेज़ों का साथ दे रहा था, ये तो ढबौरा वाले हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों से लड़के वो अलग जला के रखी। रणमत सिंह, ठाकुर बाबा रणमत सिंह, श्याम शाह, राधे गोविंद अवस्थी, पता नहीं कितने क्रांतिकारियों को ढबौरा ने पनाह दी। उस जगह को तो हम लोगों को प्राइम लोकेशन पे आना चाहिए। मैं तो आज आप मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि रतहरा में जो जहाँ पे ट्रक खड़े होते हैं, जहाँ पे पार्क बन रहा है, अभी एक नया पार्क बनाने का है, वो उस जगह को विंध्य चौराहे का नाम दिया जाए और राजा रणजीत राय दीक्षित जी की आदमकद प्रतिमा घोड़ों पे लड़ते हुए अंग्रेज़ों का सर काटते हुए वहाँ लगाई जानी चाहिए, ताकि रीवा के अंदर कोई भी व्यक्ति आए तो जाने कि रणजीत राय दीक्षित वो व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के सर काट के एक मैदान के मैदान को ढबौरा में खरपटा का मैदान बना दिया था। ऐसी वीर जगह का नाम बदल के चापलूसी के उसमें ये सब करना है, ये नहायत ही ख़राब बात है। और ये विधायक जैसे व्यक्ति जो इतने पढ़े लिखे हैं उनको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। क्या? हमारा नाम नमन कुमार अवस्थी है। अ न्यूज़ अपडेट स्पॉन्सर्ड बाय RS अकेडमी, सेकेंड फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौराहा।